में साक्षी एम मिनिस्टर्स लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बिल नहीं मिलने से ठेकेदार ने तोड़ी बोरवेल, ग्रामस्थों ने ठेकेदार को ही बनाया बंधक। लाखनी तहसील के सोनमाला में 7 माह पहले बनाई नल योजना का बिल ग्राम पंचायत ने ठेकेदार को न देने के कारण ठेकेदार ने गाँव में बनाई योजना की पाइपलाइन ही तोड़ डाली। सोनमाला गाँव में पानी की भारी टंचाई है। लोगों को पानी की व्यवस्था हो इसलिए वसंत राव नाइक तांडा बस्ती सुधार योजना अंतर्गत गांव की एक बोरवेल पर 7 माह पहले सौर ऊर्जा पंप लगाकर पानी की टंकी बिठाई गई। गांव में नल लगाए गए जिससे संपूर्ण गांव की प्यास बुझी। 5 लाख रुपए खर्च की इस योजना का काम लाखनी के ठेकेदार को दिया गया। काम पूरा होने के बाद ठेकेदार ने सरपंच चंदू गहाने को बिल की मांग की, परंतु सरपंच ग्राम पंचायत में निधि नहीं है, तुम अपनी पाइपलाइन उखाड़ कर ले जाओ, ऐसा कहा। ठेकेदार ने मजदूर लगाकर पाइपलाइन तोड़कर सभी सामान ट्रैक्टर में रखा। इसकी जानकारी लोगों को मिलते ही गांव में तनाव निर्माण हुआ। लोगों ने ठेकेदार को रोककर उन्हें बंधक बनाया। यह जानकारी सालोनी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर बंदोबस्त लगाया। 11 मई को संबंधित प्रशासकीय अधिकारी की ग्राम पंचायत में बैठक हुई और इस बैठक में तोड़ी हुई पाइपलाइन लगाकर नल योजना पूर्ववत की जाए यह फैसला हुआ, जिससे ठेकेदार काम लगा। बताया गया है कि इस योजना को प्रशासकीय मान्यता नहीं है, फिर काम कैसे किया गया। लोगों में चर्चा की थी कि इस योजना का पहला हफ्ता 3 लाख रुपए सरपंच ने उठाया, पर किसी का पेमेंट नहीं किया। ठेकेदार को 50,000 की सरपंच ने मांग की, ऐसी भी चर्चा थी। कुछ भी हो, इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार जरूर चल रहा है। अधिकारी बचाव का सामना कर रहे हैं। तोड़ी हुई योजना का पूर्ववत काम होने के बाद ठेकेदार का पेमेंट करने कसरत या पैसों की उल्था पालत की करनी पड़ती है। लोग सरपंच पर नजर डाले हैं। फिलहाल यह तनावपूर्ण परिस्थिति है। आइए देखते हैं भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। नूतन विजय कुमार देशपांडे, सोनमाड़ा। अपने गाँव थे तांडा बस्ती। 8 महीनापासून डिसेंबर पासून सुरू झालेली 8 महिन्यापासून आपल्या गावात पाण्याची अडचण, दुष्काळ झाल्यामुळे पाण्यात हाच एकच बोरिंग होता। तरी पण आमच्या गावच्या सरपंचांनी गावात लोक जिकडे तिकडे कार्यक्रमात असल्यामुळे त्वरित हा बोरिंग काढण्याचा प्रयत्न केला, तरी पण याच्यावर पूर्ण त्याच्यावर कारवाई झाल्याच पाहिजे अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे। मुक्काम सोनमाळा, या सोनमाळ्याचे ग्रामपंचायतीचे सदस्य अजून हे तोडफोड करण्याची चालू होती, सुरुवात होती। मी आल्याच्यानंतर मी यांचं काम अडवण्यात आला आणि आमची एक अट आहे की बाबा जसा होता त्यापरी आम्हाला चालू करून द्या। आम्हाला 7 महिने पैसे हे मिळाले नाही म्हणून ठेकेदार सांगत होते, पण आम्हाला या का निधीचा अजूनही आम्हाला सरपंचाने काहीच कळवलं नाही, कोणत्याच मेंबरले कळवलं नाही। स्वतः सचिव आणि सरपंच हे आपल्या मताने काच कार्य करून राहिले। मी रामकृष्ण सोमाजी इचवले, माजी उपसरपंच। ह्या गावातील विषय असा आहे, 6 महिन्यापासून हे नळी योजना जी चालू होती, तांडा व्यवस्था, त्याच्यातून झालेला जो प्रकार आहे की तो पाणी चालू असताना ह्या गावातील पूर्ण लोक ह्या पाण्याचा वापर करत होते। वरून अचानक का झाला का नाही ग्रामपंचायतच्या लोकांनी हा नळ योजना बंद करण्याचा म्हणजे प्रयत्न केला। याच्यात असं काही सुधार माहिती भेटली का यायला ग्रामपंचायत निधी 35% मिळाली, पण ठेकेदाराला एकही पैसे दिलेले नाही। त्याच्यामुळे ठेकेदाराने आपला डायरेक्टली सामान खोलून सऱ्यांनी आपला सामान नेण्याचा प्रयत्न केला। आमच्या महिला भगिनी ना गाव जनता पूर्ण आळबाहून सऱ्यांनी त्यांचा सामान रोखला। यानंतर हे ग्रामपंचायतवर चौकशी करण्यात यावी ही आग्रहाची विनंती, आणि त्यावर होणारी कारवाई ते त्वरित होण्यात व्हावी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।